अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो एक्टिव इन्वेस्टमेंट कैसे की जा सकती है, उसे कैसे स्टार्ट करते हैं? जनाब दोबारा वही बात कहूँगा, अगर आप अल्लाह ताला पे बहुत बिलीव रखते हैं और रिलीजन को अच्छा समझते हैं और उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो बेहतरीन जो इन्वेस्टमेंट है वो तो सदका या ज़कात है। तो ज़कात तो वैसे भी वाजिब है, वो अदा करते रहें अपनी और सदका करते रहें। ठीक है जनाब, ये तो हो गई पहली। सेकेंड, स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेस से मेरी मुराद क्या है? स्टॉल्स, जो मैं पिछली वीडियो में भी थोड़ी सी हिंट जिसकी दी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉल आप खुद चलाएं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्टॉल्स लगवाएं, ठीक है ना, और लीगल जगह जहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउ किया वहाँ पे लगवाएं। कोई लीगल काम ना करें, कोई बिजली ना चुराएं, बिल्कुल लीगल तरीके से वो लगवाएं, थोड़े पैसे लगेंगे। और उसमें फिर ऐसे लोगों को ढूंढें जो लोग वो काम कर सकते हो और वो उसमें काम करना चाहते हो। अब आप उनसे दोनों टर्म्स तय कर सकते हैं, आप उनको एज एन एम्प्लॉय भी रख सकते हैं और आप उन्हें अपना पार्टनर भी बना सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप उन्हें कुछ अरसे के लिए अपना पार्टनर बनाएं, उन्हें ये ऑप्शन दें कि वो आपके कैपिटल को वक्त के साथ साथ रिटर्न करते रहें या इतने साल में रिटर्न कर दें, तो फिर वो सोल प्रोप्राइटर बन जाएं और वो उसको ओन कर दें। तो सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप ये काम करेंगे तो इसमें, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि जब इंसान की एफर्ट शामिल होती है साथ में, तो थोड़े से कैपिटल से भी बहुत कमाल हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे उस इंसान की एफर्ट जो उस काम को जानता हो, उस काम को अच्छा भी समझता हो, दिल से करता हो, तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें खुद पहुंच जाती हैं। तो आप ढूंढें ऐसे लोग, बहुत आराम से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके अंदर खुद को स्किल है तो स्टार्ट कर लें, इसमें शर्म की तो कोई बात नहीं है। अगर आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप स्टॉल्स में सिर्फ फूड स्टॉल्स या इन चीज़ों पर जाएं, आपको कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं, आप देखें बहुत कम अमाउंट से जो काम शुरू हो सकता है और आपकी कोई ऐसी स्किल है वो शुरू कर दें। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बिलियनेयर्स हैं, जो खवातीन, और उन्होंने कुछ कोर्सेज किए IBA से, कुछ हमसे कनेक्ट हुई, तो उसके बाद वो घर पे पनीर बना के बिजनेसेस कर रहे हैं। हालांकि उनको कोई इससे खास इनकम नहीं हो रही, लेकिन अपने शौक और अपने जो उनकी स्किल है उसको वो यूटिलाइज कर रही है, और जो प्रॉफिट है वो उसको यूज़ भी नहीं करते, वो उस प्रॉफिट को लोगों में बांट देते हैं। बाइंग एंड सेलिंग, तो आप पूरे साल में नज़र रखें, चीज़ों पर नज़र रखें, किस वक्त कौन सी चीज़ सस्ती होती है उसको खरीद लें और उसको भेजने, या किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, अगेन उलमा इकराम से पूछते रहें, ताकि इसमें कहीं आप किसी का नुकसान ना कर दें, ज़खीरा अंदोज़ी की तरफ ना चले जाएं, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन एक बेसिक ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, कुछ खरीदा कुछ बेच लिया और उसमें एक बेसिक डिफरेंस आपने रख लिया, तो थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन इसका रिटर्न एज़ कम्पेयर टू पैसिव वाली इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के बहुत ज़्यादा होगा। यानी आपने 50,000 का सामान भी अगर ख़रीदा और आपने एक महीने में उसे 20% प्रॉफिट पे भी बेचा, तो 10,000 रुपये आपने कमा ली। तो अगर ये ट्रांजेक्शन आप हर महीने भी रिपीट कर रहे हैं, तो नॉट बैड के 50,000 रुपये लगा के साल में 120,000 रुपये अगर आपने कमाया, तो आपने 200% से भी ज़्यादा जो है ना वो अर्न किया। हमारे पास फ्रेंचाइज लेने का नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि आप फ्रेंचाइज दें। अगर आप कोई काम करते हैं और आप उस काम में बड़े अच्छे हैं, तो उस काम की छोटी छोटी फ्रेंचाइजेज बना दें, और ऐसे लोग जो उस काम को नहीं जानते आप उन्हें जाके वो काम सिखाएं। ठीक है जनाब, ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपकी जो स्किल है वो टीचेबल है, ठीक है ना, तो आप एक एग्रीमेंट करके आराम से एक फ्रेंचाइज उनके साथ बना सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप मल्टा या बिलियनर लेवल पे खेलें, आप बहुत छोटे लेवल पे भी ये काम जो है ना वो आराम से कर सकते हैं। अरे जी, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ बहुत आसान है, ऑनलाइन होने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ही आसान है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ में क्या होता है, आप जाएं ट्रेडर्स के पास या होलसेल मार्केट में और उनसे बात करें कि भाई मैं आपकी चीज़ों की पिक्चर्स लूँगा और मैं उन पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर चलाऊँगा और जो ऑर्डर्स आएंगे मैं आपसे बाय करूँगा। हर रिटेलर आपको ये चीज़ आराम से करने की इजाज़त दे देता है। रीज़न, क्योंकि उसका तो बैठे बैठे सामान बिक रहा है, वो आपको कभी भी मना नहीं करेगा, ठीक है ना। और अगर एक ने मना किया तो 2-3 को ढूंढें। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त टिप बताता हूँ कि आपने कोई भी बिज़नेस अगर स्टार्ट करना है तो आप सबसे पहले जाके सर्वे कीजिए। रियल इस्टेट का काम करना है, आप जाएँ 10-15 लोगों जो जिस एरिया में काम करना है वहाँ पर जो 10-15 रियल इस्टेट वाले उनसे बैठ के बात करें, तो हो सकता है कोई आपको कुछ बात बताए, कोई कुछ बात बताए, लेकिन उन 15 लोगों की बातों को जब आप एनालाइज़ करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो ऐसे अगर एक बंदा मना कर रहा है कोई रिटेलर, तो आप दूसरा तीसरा चौथा। अच्छा, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल के हमने रमज़ान में आज से कुछ साल पहले ये बिल्कुल ट्राई किया, जब ऑनलाइन चीज़ें नई नई थी, तो हमने जाके पिक्चर्स ली, उनको सोशल मीडिया पर लगाया और जो है ना वहाँ से आने वाले ऑर्डर्स में हमने राइडर्स को दिए और राइडर्स जाके देते रहे ऑर्डर। और इसमें क्या हुआ था, कहीं भी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं थी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व भी थी तो वो उस एक सैंडल के पीस की थी जो ऑर्डर में आता था जी। वो है सप्लाई चेन। अगर आपकी जान पहचान अच्छी है या आपकी ऑलरेडी एक लाइन बनी हुई है, तो वो सप्लाई चेन लाइन क्या होती है, या जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होता है, कि एक वक्त में आप मल्टीपल जगहों पर जो है ना वो दुकानदारों से और रिटेलर से आपका लिंक होता है, तो आप उनको अगर एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप उन्हें कोई भी दूसरी प्रोडक्ट बहुत आराम से जो है ना वो
बेच सकते हैं क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। के बाद एक और चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको पाकिस्तान में बहुत बदनाम किया गया और करने वालों ने ही बदनाम किया ज़्यादा। तो नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कोई ख़राब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि दो नंबर काम बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए वो बहुत ख़राब चीज़ हो गई। नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल सिंपल है कि आप जिसे चीज़ बेच रहे हैं आप उसे भी सेलर बनाते हैं कुछ परसेंटेज दे के, और उसे ये सिखाएं कि वो जिसे बेच रहा है या वो जिसे कन्विंस कर रहा है वो उसे भी सेलर बना दे, और यूँ परसेंटेज तो आपकी हर कैटेगरी में कम होती जाएगी लेकिन ओवरऑल ज़्यादा होगा। मिसाल इसकी क्या, आप अकेले अगर 10 लोगों को बेचते हैं और वो 10 लोग 10 लोगों को बेचते हैं तो टोटल 110 लोगों का, और अगर वो 10 लोग जिन 10 लोगों को बेचते हैं वो उन्हें भी अगर ये सिखा दें तो फिर ये 1000 प्लस में चली जाएगी बात। तो आपका मार्जिन यानी प्रॉफिट का परसेंटेज कम हो जाएगा लेकिन आपको मिलेंगे एट द एंड बहुत ज़्यादा पैसे। लेकिन ये पूरा प्रोसेस सही से रन हो इससे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और इसमें बहुत श्योर रहना पड़ेगा क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात मिस कमिटमेंट और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देती हैं, लेकिन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लोग कर रहे हैं, दुनिया भर में कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। रियल इस्टेट की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं आप, रियल इस्टेट लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रियल इस्टेट को होल्ड करना है, लेकिन यहाँ पर आप रियल इस्टेट की ट्रेडिंग कर सकते हैं यानी बाइंग सेलिंग भी कर सकते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन बस खुदारा फाइल्स की बाइंग सेलिंग मत कीजिएगा, या उलमा इकराम से जाकर, मुस्तनद उलमा इकराम से जाकर पूछ लीजिए, मुझे उसमें बड़ी रिजर्वेशन है कि फाइल्स की सेलिंग असल में मार्केट को फेक तरीके से उठा देती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो चीज़ आपके हाथ में आई नहीं होती, और ऐसी अहदीस भी हैं कि माल उस वक्त बेचो जिस वक्त वो तुम्हारे कब्ज़े में हो, लेकिन आप उलमा इकराम से जाके इसमें तफसीलात ले लीजिएगा। थैंक्स अल्लाह।